नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। जी हां, दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ मछवारा में कल गणतंत्रता दिवस के सम्मान समारोह में प्रशासन के द्वारा कई खामियां करने से कई लोग सम्मानित होने से रह गए। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा पर 71वें गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देकर रोष प्रकट किया। आपको बता दें, रामगढ़ बचवारा उपखंड स्तर का कार्यक्रम प्रशासन ने इस वर्ष खेल मैदान में नहीं करवाकर राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में करवाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया। वहीं दूसरी तरफ सम्मान समारोह कमेटी पर भी लोगों ने उंगली उठाई और कहा कि सम्मान समारोह कमेटी ने अपने लोगों का ही सम्मान कर सम्मान समारोह आयोजित को मखोल बना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 25 जनवरी को 24 लोगों की लिस्ट जारी की गई जिनको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने 28 लोगों को सम्मानित कर अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर लिया। ग्रामीणों की सूची की अभाव में सम्मान समारोह आयोजन में ग्राम पंचायत, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, किसान और भामाशाह का सम्मानित नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने कहा कि दौसा जिले में अंजीर और काजू की पहली फसल करने वाले किसान हरिराम मीणा का भी प्रशासन ने सम्मान नहीं किया, जिसको लेकर भी ग्रामीणों ने रोष जताया। ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा रामगढ़ बचवारा उपखंड को लालसोड उपखंड का दर्जा देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के चलते गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम खेल मैदान में नहीं करवाकर स्कूल के प्रांगण में करवाकर उपखंड रामगढ़ बचवारा को प्रशासनिक अधिकारियों ने रामगढ़ बचवारा को ही ग्रामीण का दर्जा दे दिया। मित लोकबागों का सम्मानित किया गया, ऐसे मित लोकबागों को, और जहां कार्यक्रम की उपखंड लेवल पर जो कार्यक्रम होना चाहिए था एक बड़े रूप में, वो नहीं हुआ है। इससे पहले बिफोर लास्ट ईयर हुआ था, वो गोवर्धन जी के टाइम में अच्छा हुआ था। तो क्या इसके अंदर प्रशासन की शीतलता मानी जाए? हाँ, प्रशासन की शीतलता, प्रशासन की शीतलता के चलते जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है उसको कई लोग बाग नहीं देख पाए। हाँ, नहीं देख पाए, सीमित था ये। और जो उन्होंने सम्मानित किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे ग्राउंड छोटा था, लोगों की संख्या इतनी थी, बच्चों की जो वो बैठने में असमर्थ थे, हम तो कहाँ से बैठ पाते हो। तो जगह के हिसाब से पहले ग्राउंड पे होता था वो, न होके इन्होंने स्कूल के प्रांगण में करा दिया जो छोटा रहा ग्राउंड। तो इसलिए इनको पहले उपखंड अधिकारी थे हमारे यहाँ जो यहाँ फील्ड में करवाते थे, जो न करवाया इन्होंने। हाँ, जो पहले खेल मैदान में कार्यक्रम हुआ करता था, कल उस कार्यक्रम में गया तो मैंने वो जिस कार्यक्रम को देख करके जो जिस सरकार जो कार्यक्रम हो रहा था, हमारा रामगढ़ पचवारा उप जिला खंड उपखंड स्तर का उपखंड स्तर का कार्यक्रम जो सदा से होता आया है, जिसके लिए पूर्व जो अधिकारियों ने जो फील्ड में कार्यक्रम रखा जाता था और उसके लिए व्यवस्थाएं की जाती थी, उसके तरीके से हम कल उस प्रोग्राम को देख करके हम भी उदासीन थे। और जो जी ढंग से हमारे इस रामगढ़ पचवारा के लिए श्री प्रसादी लाल जी मंत्री द्वारा उठाने के लिए लालसोर स्तर के मुकाबले में रामगढ़ पचवारा को लाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, और इतने यहाँ उपखंड स्तर अधिकारी बैठते हैं, पंचायत समिति बना दी गई है और सारी व्यवस्थाएं अभी सेकेंडरी स्कूल की मांग थी कन्याशाला की, वो भी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस का पर्व स्वर्गीय मूलचंद मीणा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के महाविद्यालय स्वर्गीय मूलचंद मीणा शिक्षण प्रशिक्षण में 71वां गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाविद्यालय के कार्यक्रम का संचालन यदुनंदन शर्मा ने किया। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां पेश कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व IAS ब्रजमोहन मीणा रहे।
पूर्व आईएएस ने छात्र छात्राओं के कार्यक्रम की सराहना करते हुए संविधान के प्रति हमारे कर्तव्य की जानकारी बताते हुए प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के सचिव सतपाल मीणा ने सभी छात्र छात्राओं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत को स्वच्छ बनाए जाने और प्लास्टिक के उपयोग को नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राचार्य एस के त्रिवेदी, प्रवक्ता अंकुश अमेरिया, विष्णु कुमार जांगिड़, डॉक्टर मुकेश मीणा, बनवारी लाल मीणा, हनुमान सहाय शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, श्यामलाल महावर सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। कल गणतंत्रता दिवस पर रामगढ़ पचवारा में स्कूल के बच्चों को जूते व जुराब सरपंच के द्वारा वितरित किए गए। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत बिदरखा सरपंच अंजना शर्मा ने ग्राम अभयपुरा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालकों को गणतंत्रता दिवस पर जूते और जुराब का वितरण किया। इस अवसर पर सोनड़ ग्राम के सरपंच कालूराम मीणा ने भी बालक बालिकाओं को स्कूल के बैग वितरित किए। वितरण समारोह के दौरान किशन सिंह राजपूत, पटवारी पुनीराम, हनुमान सिंह राजपूत, सुमित बदरखा रामपुर मीणा एवं स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। रामगढ़ पचवारा में कल भामाशाह ने दिल खोल कर दिया दान। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेमलिया वाला में 71वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भामाशाह ने विद्यालय में दिल खोल कर दान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान अनिल कुमार शर्मा ने की। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं देश प्रेमी से ओत प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति पेश की गई। छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति के दौरान ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर ग्रामीणों को बेटियों के प्रति सीख दी गई। इस अवसर पर जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने भी अद्भुत खेलों का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को हैरतअंगेज कर डाला। कार्यक्रम के अवसर पर भामाशाह गिरिराज मीणा डेयरी वाले ने सभी छात्रों को स्कूल के बैग वितरित किए। वहीं दूसरे भामाशाह मोहनलाल मीणा ने छात्र छात्राओं को विद्यालय की गणवेशों का भी वितरण किया। वहीं ग्रामवासियों द्वारा खेल मैदान के लिए भूमि दान एवं टेबल और स्टूल को भी दान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाहों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मंच संचालन रविकांत कटारा एवं रामनारायण मीणा ने किया। इस दौरान सरपंच मोहरपाल मीणा, भागीरथ मीणा, दादू ठेकेदार, वैद्य हरचंद, नाथूलाल शर्मा, रणजापति, सुरजान डीलर सहित कई लोग उपस्थित रहे। स्कूल में जो दान दिया है वो एक इस तरीके से देख के दिया है कि हमारे गांव में जो सुबह सुबह बच्चे छोटे छोटे आते हैं तो उनकी ड्रेस नहीं होती, तो कभी कभी स्कूल में मास्टर भी उनको बाहर निकाल देता है। तो एक दिन ये सोचा बैठा बैठा कि चलो सबसे बड़ा है कि इनको कपड़े की व्यवस्था कर देते थे, काफी किताब पढ़ाए वगैरह सारी सब चीजें ढंग से करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे कि लगन से कि भाई देखो उसने ये किया है तो यार अपन भी इनको सही तरीके से चलाएं। गणतंत्रता दिवस का आयोजन निजी शिक्षण संस्थानों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में 71वां गणतंत्रता दिवस निजी शिक्षण संस्थाओं में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं उपखंड स्तर पर होने वाला गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पचवारा में मनाया गया, जहां पर जगह के अभाव के चलते पचवारा क्षेत्र की जनता कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकी। उपखंड स्तर के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में अध्यक्षता उप सरपंच रामविलास जांगिड़ ने की और मुख्य अतिथि SDM सरिता मल्होत्रा रही। कार्यक्रम का झंडारोहण SDM सरिता मल्होत्रा ने किया। शाला प्रधानाचार्य रामावतार मीणा ने बाहर से आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम निजी शिक्षण संस्थानों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। रामगढ़ बछवारा के विवेक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्रसाद खाड़ा ने की और विशिष्ट अतिथि मोहनलाल गुप्ता रहे। शाला प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति पेश कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं क्षेत्र के इनोवेशन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में भी गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि थाना प्रभारी अशोक झांझड़िया रहे, जिनका स्वागत शाला प्रधानाचार्य पूनम चंद सैनी ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विद्यालय के बालक बालिकाओं ने कई सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति पेश कर ग्रामीणों का मन मोह किया। आपको ज्ञात होगा कि रामगढ़ पचवारा को जब से उपखंड का दर्जा मिला है
तब से उपखंड स्तर का कार्यक्रम विगत 2 वर्षों से खेल मैदान पर होता आ रहा है, लेकिन प्रशासन के शीतल रवैये के चलते गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम प्रशासन ने आनन फानन में कर कार्यक्रम की खाना पूर्ति की। आदरणीय मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय एवं प्यारे बच्चों, जैसा आप सबको विदित है, आपके गुरुजनों ने भी ये बताया था कि आज हम सब मिलकर एक क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, परंतु इस आजाद इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।